Okay, kids, good morning. So today we are going to do a very new topic. Just like other topics, this one is also pretty easy and you will enjoy it and you will get a lot of knowledge. Okay, so the topic is solar and lunar eclipse. You all know about it. Have you heard it earlier? Yes, sir. आप सबको पता है कि ये हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं दोनों, सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स. तो एज अ साइंस स्टूडेंट आज हम इसकी थोड़ी सी साइंटिफिक डिटेल्स को पढ़ेंगे कि व्हाट गोज बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या होता है, कैसे होता है. और फिर से एक बात और, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने वाली. लेकिन फिलहाल आपकी क्लास स्टैंडर्ड के लिए जितनी ज़रूरी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं आप लोगों को बताऊंगा, सो दैट यू हैव अ गुड कॉन्फिडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. स्टार्ट करें बेटे. ओके ग्रेट. सो सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स. बिफोर दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्लिप्स? Yes, Ashutosh. Grahan. That is the meaning exactly related to it. English dictionary ke hisab se kya meaning aapko lagta hai? Kya hota hoga eclipse ka? Nobody? Ankita? Okay. Eclipse means ki koi kisi cheez ko cover kar le. Ek aur meaning dictionary mein diya hota hai ki koi kisi cheez se light ko block kar de. Jaise ki sometimes when we watch a TV program aur usme do teen actors hain to hum bolenge ki sabne achhi acting ki. But actor A performed so well that he eclipsed the good performance of all other actors. Usne un sab baakiyon ki performance ko eclipse kar liya, matlab ki dhak diya, halanki acha sabne kiya tha. So this is the meaning of eclipse and everything is connected. That's why it is these phenomena are known as solar and lunar eclipse, kyunki iske andar लाइट्स को ढका जाता है. कैसे ढका जाता है, कैसे ब्लॉक किया जाता है, वो अब हम स्टडी करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट पिक. यू कैन सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी सिंपल थिंग इन सोलर एक्लिप्स. इन बोथ द एक्लिप्स सन मून एंड अर्थ वी ऑल कम इन लाइन. ये बेसिक आप जानते हो, मैं पहले ही बता चुका हूं. इट्स ऑल अबाउट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, जो कि अर्थ अपने एक्सिस पे करता है, अर्थ सन के अराउंड मूव करता है, और मून सन के मून अर्थ के अराउंड मूव करता है, और इनडायरेक्टली मून भी अर्थ के साथ साथ सन के अराउंड मूव करता है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इन सभी मोशंस, प्लेनेटरी मोशंस के कारण एक पोजीशन आती है हमारे एक्लिप्सिस की. तो सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब हमारा मून सन और अर्थ के बीच में आ जाए. ठीक है बेटे. और ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है? जब हमारी अर्थ मून और सन के बीच में आ जाए. इतनी बात क्लियर हुई बेटा? ठीक है. इसमें होता क्या, बीच में आने से अगर आप देख रहे हैं शेडोई पोर्शंस को, कि जब सोलर इक्लिप्स होता है तो मून सन की लाइट को अर्थ के ऊपर आने से इक्लिप्स कर देता है एंड दिस डार्क पोर्शन कम्स अप. ठीक है बेटा. तो इसको हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स. ठीक है बेटे. सेम वे लूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि लूनर इक्लिप्स में जब सन की लाइट अर्थ पे पड़ रही होती है तो एक शेडो बनती है पीछे. उस बेस्ट डार्केस्ट शेडो के एरिया में कौन आ जाता है? हमारा मून. दैट्स व्हाई ल्यूनर इक्लिप्स. क्या यहां तक बात क्लियर हुई बेटे सबको? ओके लेट्स गो अहेड. सो व्हेन ए सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी मतलब स्पेस की बॉडीज, ठीक है ना, स्पेस बॉडीज जो होती हैं, जैसे हमारे सारे प्लैनेट्स, अर्थ मून सन एवरीथिंग, दीज ऑल आर टुगेदर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज. ठीक है. इज मास्ट, मास्क का मतलब ढकना, बाय अनदर अलोंग एन ऑब्जर्वर्स लाइन ऑफ साइट. देखने वाले की लाइन ऑफ साइट के हिसाब से अगर कोई बॉडी किसी को ढक ले, लाइट को कवर कर दे, तो हम कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, एन एक्लिप्स अकर्स. ठीक है बेटा. ल्यूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स आर द इवेंट्स व्हेन द सन मून एंड अर्थ आर इन टेंडम. टेंडम का मीनिंग यही है, एक लाइन में, एक दूसरे के आगे पीछे आगे पीछे, दैट इज नोन एज टेंडम. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेसिक डेफिनेशन सोलर इक्लिप्स, हिंदी में क्या कहते हैं बेटे हम लोग इसको? सूर्य ग्रहण. फॉर अ सोलर इक्लिप्स टू अकर द मून शुड बी बिटवीन अर्थ एंड द सन. एंड फॉर लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण. फॉर लूनर इक्लिप्स टू अकर द अर्थ शुड बी बिटवीन द सन एंड द मून. क्या यहां तक क्लियर हुआ सारे बच्चों को? बिकॉज दिस टॉपिक इज लिटिल शॉर्ट, स्लाइड्स आर वेरी लेस, तो हम आप बाद में एक ही बार लिखना. लेट मी कंप्लीट द लेक्चर फर्स्ट. आर यू ओके विद दिस? ओके ग्रेट. यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चले. ठीक. टेंडम का मीनिंग क्लियर हो गया, एक्लिप्स का मीनिंग कवर क्लियर हो गया, और ये एक्लिप्सिस
कब होते हैं, उनकी प्लेनेटरी पोजिशन क्या होती है, अर्थ की, मून की, सन की, वो क्लियर हो गई। ओके लेट्स गो अहेड। सोलर इक्लिप्स वर्सेस ल्यूनर इक्लिप्स। नाउ इन दिस कंपैरिजन ऑल द आंसर्स विल बी कवर्ड, ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स विल बी कवर्ड दैट मे कम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो ये स्लाइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पिछली स्लाइड कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, राइट? प्रीटी इजी। सोलर इक्लिप्स, द सोलर इक्लिप्स इज द वन इन विच द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन, हम कर चुके हैं, अकर्स वंस इन 18 मंथ्स, लास्ट्स फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट, 5 से 7 मिनट के लिए चलता है, विटनेस्ड इन फ्यू प्लेसेस, कुछ जगहों पे दिखता है, हर जगह पे नहीं दिखता, अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, द सोलर इक्लिप्स हैपेंस इन द मून फेज, ठीक है, जो मैं आपको स्टडी कर, जो हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इफ डायरेक्टली सीन थ्रू द नेकेड आईज देन देयर आर हाई चांसेस ऑफ लूजिंग विजन एज इट डैमेजेस द रेटिना, हमारे जहां पे हमारी पिक्चर बनती है ब्रेन के अंदर, जो भी हम देखते हैं उसको डैमेज हो सकता है, क्यों हो सकता है वो भी हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज ल्यूनर इक्लिप्स कंपैरिजन, द ल्यूनर इक्लिप्स अकर्स इन वन इन विच अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, अकर्स ट्वाइस अ ईयर, लास्ट फॉर एन आवर, एक घंटा चलता है, विटनेस्ड इन मैनी प्लेसेस, अकर्स ड्यूरिंग नाइट टाइम, व्हेन द मून इज इन इट्स फुल मून फेज अ ल्यूनर इक्लिप्स हैपेंस, ठीक है बेटा। मैंने कहा था ना सभी मोशंस के दौरान ये हम सभी चीजों को देखते हैं, सब मोशंस का ही है, जैसे टाइड्स हो गई, सोलस्टिस हो गया, और मैंने क्या बताया था आपको, इक्विनॉक्स हुआ जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, और मून फेजेस, उसी लाइन में इन सभी चीजों को मिलाकर हमारे पास हमारे इक्लिप्सिस भी आते हैं, ठीक है। एंड विटनेसिंग ल्यूनर इक्लिप्स विद बेयर आईज इज हार्मलेस एंड इट डज नॉट कॉज एनी डैमेज टू आईज, ठीक है बेटा। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, अभी हम स्टडी करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले बेटा आगे, बस ये खत्म हो गया है, आप इट्स प्रीटी इजी। नाउ दिस इज द, दिस इज माय फेवरेट स्लाइड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सन अर्थ मून, क्या हुआ बेटा, ड्यूरिंग अ टोटल ल्यूनर इक्लिप्स द मून मूव्स इनटू द डार्केस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ शेडो, किसी चीज पे लाइट पड़ेगी तो उसकी दूसरी साइड को शेडो तो पक्का बनेगी, डू यू एग्री और नॉट? तो जब इतना बड़े सन की लाइट सन के मुकाबले इतने छोटी सी अर्थ पे पड़ रही है तो हमारी अर्थ की शेडो बन रही है बहुत बड़ी, और उस बड़ी शेडो के अंदर हमारी अर्थ से भी छोटा कौन आ गया, मून आ गया, इसलिए मून हमें कैसा नजर आता है उस दिन, डार्किश ऑरेंज, मींस कि वो अपनी लाइट खो चुका होता है, अंधकार में होता है। इज द क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ल्यूनर इक्लिप्स, ठीक है बेटा। इज द क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मून की पिक्चर ल्यूनर इक्लिप्स के दौरान, टोटल इक्लिप्स के दौरान, ठीक है, जब वो अच्छी तरह से डार्केस्ट पार्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। इज द क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, एंड व्हाट हैपेंस इन सोलर इक्लिप्स, यू नो मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ। अब इसमें क्या होता है, देखो बेटे वही वाली बात जो मैंने कल आपके साथ कैमरे में डिस्कस की थी कि कैमरे के पीछे से लाइट आ जाए तो हमें वो पर्सन डार्क नजर आता है अगर हम क्लिक कर रहे हो, सेम इज हैपनिंग हियर। आप यहां खड़े हो, मून को देख रहे हो, पीछे बिल्कुल सन उसके बैक में है, तो आपको मून कैसा नजर आएगा बेटा, डार्क, साइडों में लाइट हल्की 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 तेज सन की, दीज लाइट, दीज कॉस्मिक रेज कैन कॉज डैमेज टू द आईज, क्या बात समझ में आई बेटे? ओके, सो आई होप यू गॉट इट, दिस पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट? एंड फाइनल पिक्चर सोलर ल्यूनर इक्लिप्स में इस तरह से नजर आता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। गॉट इट एवरीबॉडी? एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी राइट नाउ, क्लियर बेटे? ओके दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। कोई भी स्टडी मटेरियल आपको कुछ चाहिए पढ़ने के लिए तो वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से आपको हमारा स्टडी मटेरियल की PDF फाइल्स, टेस्ट सीरीज ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन्स वहाँ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं।